नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर माहौल दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। ऐसे में तमाम पार्टी, तमाम नेता अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी के बीच आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता भूपेंद्र मोर। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार जी, सबसे पहले तो हरियाणा उत्सव के जितने भी दर्शक भाई हैं, दर्शक बंधु हैं, उनको मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम। सर, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जो है तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो अपनी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आप अपनी मजबूत दावेदारी किस तरह से पेश कर रहे हैं टिकट के लिए? भारतीय जनता पार्टी में पार्टी का संगठन तय करता है किस आदमी को चुनाव लड़ाना होता है, कौन आदमी यहाँ से सीट निकाल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, लगभग 10 से 15 कार्यकर्ता ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो भाई टिकट की मांग कर रहे हैं, और वो पार्टी ने डिसाइड करना है भाई किस आदमी को टिकट देनी है, किस चुनाव लड़ाना है। आपको अगर पार्टी यहाँ से टिकट देती है तो क्या मजबूत आपके पक्ष रहेंगे? अगर पार्टी हमारे पर विश्वास जताती है तो मेरा हल्के का सबसे बड़ा गांव है जी, और लगभग 11,000 वोट है मेरे गांव में। 11,000 वोट होने के नाते उसके पास आसपास के गुहांडे 6-7 गांव आपस में जो हमारा मेल मिलाप है, आना जाना है, शादी ब्याह में, वो सारे गांव इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा लगभग मेरे पास मेरे जो संपर्क में हैं कांग्रेस के 175 की वोटर हैं जो मेरे संपर्क में हैं, वो की वोटर हैं जिसके मतलब 100, 150, 200 वोट दिलवाने का, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरी तरफ दिलवाने का जो लोग विश्वास रखते हैं, वो ऐसे की वोटर मेरे संपर्क में हैं। और लगभग 5 से 6 हज़ार वोटर कांग्रेस के, जैसे भैंसवाल गांव है, आवलाना है, बुटाणा है, गंगाणा है, बनवासा है, रिंडाणा है, बावड़, गढ़वाल, निजापुर के जो लोग ऐसे कांग्रेस के जो वोटर हैं, अगर पार्टी हमारे पर विश्वास जताती है तो वो कांग्रेस के वोटर मेरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की बड़ौदा से सीट निकालने में हम सक्षम रहेंगे। क्या लगता है कि इस बार जो है भाजपा की जो तैयारियाँ चुनाव को लेकर वो किस तरह की चली हुई हैं? भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारियाँ हैं चुनाव के को देखते हुए। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करा दे, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल प्रिपेयर है, और अब की बार 100% भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा बड़ौदा में। ये मैं जैसे ग्राउंड पर जाता हूँ, हरेक कार्यकर्ता के मुंह से जनता ने मन बना लिया है, अब की बार बड़ौदे का हक की लड़ाई है। ये बड़ौदे की हक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी, इसलिए लोग उस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे। लगातार आप लोगों से मिलते हैं, बार बार एक आवाज़ आती है भाजपा की तरफ से किस बार जो है हम खीर खिलाएंगे, हलवा खिलाएंगे, तो क्या लगता है इस बार भाजपा की खीर और हलवे को खाएंगे लोग? माननीय हमारे कृषि मंत्री JP दलाल जी ने खीर का एग्जांपल दिया था। खीर का एग्जांपल का मतलब यही है, अगर हम सत्ता के साथ रहें, पार्टी के साथ जुड़ें, सरकार में सरकार मिलाएं, तो स्वाभाविक है अगर भाई खीर तो मिलेगी। खीर बड़ौदा में पक्की खाएंगे, अब की बार जनता ने मन बना लिया है, एक भी बड़ौदा में अब की बार सरकार के साथ रहकर खीर खाएंगे। बार बार एक लोगों की तरफ से भी सवाल आता है कि पिछले 6 साल से भाजपा की सरकार रही है तो इतने विकास कार्य हल्के में नहीं करवाए। देखो, पिछली बार भी ऐसी बात नहीं, विकास हुआ है। लगभग इस पिछले शासनकाल में 28 करोड़ रुपये आवलाना गाँव में लगे, जितने भी चौपाल थी सारी नई बनी, और स्कूल बिल्कुल जर्जर हो चुका था, स्कूल नया बना, जितनी भी गलियां थी सारी वो गलियां बनी। उसके बाद बड़ौदा में आ जाओ, बड़ौदा में 4 कराई के ट्यूबवेल देने का काम किया सरकार ने, और एक गंगाणा से खेड़ा, खेड़ी, बुटाणा, कोड़ा, बड़ौदा एक माइनर निकालने का काम किया, और ऐसे बहुत से कार्य हैं जो कांग्रेस सरकार में 10-10 साल से लटके हुए थे। बड़ौदा में पंचायत भवन में डिस्प्यूट था, वो क्लियर करा के भारतीय जनता पार्टी ने वो बनवाने का काम किया। गढ़वाल गांव में मंदिर के पास है, जो 15 साल से मेन गली जो अटकी हुई थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो काम हुआ। क्या ये पिछले शासनकाल में काम नहीं हुए? ये विकास ही तो थे जी। बार बार एक बात ये भी आती है कि ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, तो इस गढ़ को कैसे तोड़ पाएंगे भाजपा वाले? यहाँ हुड्डा साहब का कोई गढ़ नहीं है। हुड्डा साहब यहाँ लोकसभा चुनाव में भी हारे थे,
और रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा जी हारे थे, वो पिछली बातें थी वो बीत चुकी हैं। अब की बार लोगों ने मन बना लिया है यहाँ से बीजेपी का जो प्रत्याशी आएगा उसको जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और रही बात जो ये रिणाणा धनाणा छपरा और बोड़ गढ़वाल निजापुर बनवासा गांव में फसल ख़राब हो जाती थी हर मौसम के टाइम पर पानी भराव होने के कारण, अब की बार लगभग सभी किसानों की फसल बच चुकी है क्योंकि जो पानी भराव था ड्रेन के माध्यम से सारा पानी निकालने का काम किया और इससे किसान काफ़ी खुशहाल हैं। और किसानों को पिछली बार फसल खराब का मुआवजा भी देने का भारतीय जनता पार्टी ने 10 से 12 हज़ार प्रति एकड़ देने का काम किया, और कांग्रेस सरकार ने तो यहाँ पे किसी को 100 रुपये किसी को 200 रुपये देने का काम किया है। कांग्रेस सरकार तो सिर्फ वंशवाद की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी किसी भी कार्यकर्ता को उठाकर कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पहुँचा सकती है। आप ये बता दो मेरे को पूरे हरियाणा में क्या राज्यसभा के लिए कोई भी आदमी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राज्यसभा में भेजा जा सकता, इन्होंने अपना बेटा राज्यसभा में भेजने का काम किया। अब ये फोकस कर रहे हैं भाई यहाँ से श्री कृष्ण हुड्डा जी का जो स्वर्गवास होया अब उनको बेटे को टिकट देंगे फिर उनके पोते पोते को टिकट देंगे। क्या कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो विरोध में जो भाई आम आदमी को मौका दिया जाए अगर भाई वो भी आगे बढ़े? ये तो अपना घर भरने के चक्कर में लग रहे हैं, इन्होंने विरोध से कोई मतलब नहीं, या वोट यहाँ से लेंगे काम वहाँ करेंगे जी। ये थे हमारे साथ भाजपा नेता भूपेंद्र मौर्य, इन्होंने बताया कि इस बार जो है अगर पार्टी यहाँ से मुझे मौका देती है तो 100% जो है यहाँ से जीत दर्ज करवाएंगे पार्टी की।